हेलो एवरीवन, आई एम ब्रजेश। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास एट्थ मैथ एक्सरसाइज 2.6 विद क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। तो यहाँ पर हरी हरी एंड हैरी की एजेस में रेशियो गिवन है। रेशियो यहाँ पर है 5 एंड यहाँ पर 7, यहाँ पर रेशियो गिवन है। जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो गिवन होता है तो हम करते क्या है, अपने पास से यहाँ पर रेशियो के साथ x और पुट कर देते हैं। तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर 7x हो जाएगा। हम यहाँ पर x क्यों पुट करते हैं, x का मीन्स यहाँ पर है कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों में जिससे मल्टीप्लाई हो रही है। मीन्स यहाँ पर एक कॉमन नंबर है जो इन दोनों में जिससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। वो नंबर हमें पता नहीं है तो हम करते क्या हैं, अपने पास से वो नंबर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो आपके लिए 5/7, मैंने यहाँ पर रेशियो लिख दिया इसका। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने कॉमन नंबर यहाँ पर 2 ले लिया। तो यहाँ पर 5 2 10, 7 2 14, 7 2 14, तो यहाँ पर 10/14 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, 2 5 10, 2 7 14, तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन नंबर लिया 2, जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन मुझे 5/7 मिल गया। तो यहाँ पर मेरा कॉमन नंबर था 2। तो वो कॉमन नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से यहाँ पर एक्स पुट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर 5x एंड यहाँ पर 7x हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब यहाँ पर 4 साल बाद, 4 years बाद, यहाँ पर इनकी जो एजेस में रेशियो है 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, इनकी जो प्रेजेंट एज है, यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है इसमें हमें यहाँ पर 4 ऐड करना होगा, तब जो रेशियो आएगा वो 3:4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 5x+4, तो हरी की एज में मैंने 4 ऐड कर दिया। नेक्स्ट, हैरी की एज में 4 ऐड हो जाएगा, 7x+4, और इक्वल टू यहाँ पर आएगा 3/4। नेक्स्ट, यहाँ पर फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x हो जाएगी, हरी की प्रेजेंट एज 5x, और नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ हैरी 7x हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आफ्टर 4 years चार साल बाद इनकी एजेस में डिफरेंस यहां पर आएगा, हैरीज एज 5x+4। नेक्स्ट, हैरीज एज यहां पर हो जाएगी 7x+4। अब यहां से शुरू होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 साल बाद इनकी जो एजिस हैं वो यहाँ पर 3:4 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पर एजिस में यहाँ पर इनकी 5x+4/7x+4 एंड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3:4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5x+4 से एंड 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7x+4 से। 4 × 5x+4 इक्वल टू 3 × 7x+4। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से या 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आएगा 20x हो जाएगा। 4 × 4 = 16 इक्वल टू 3 × 7 = 21, 21x हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 4 = 12, यहाँ पर आएगा 12। अब यहाँ पर जो एक्स वाले टर्म है, जो एक्स वाले टर्म है उनको यहाँ पर मैं एक साइड कर लूँगा, यहाँ पर
20x माइनस का 21x हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का है तो इस साइड आ गई ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 एंड यहाँ पर प्लस का 16 है, इस साइड जाएगा ये तो होगा माइनस का 16, माइनस का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20x है ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन आता है बड़े नंबर का, तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर ये बड़ा है तो साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर 21 में से 20 माइनस करेंगे तो हाँ बचेगा x, 21x में से 20x माइनस करेंगे तो हाँ बचेगा x इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस का 4, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस बट साइन आता है बड़े नंबर का, तो यहाँ बड़ा नंबर है 16, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू यहाँ पर आया 4, यहाँ पर ये x की वैल्यू है। अब जो x की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम जो प्रेजेंट एजेस हैं हरी एंड हैरी की वहाँ पर पुट कर देंगे तो वहाँ पर इनकी प्रेजेंट एज आ जाएंगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी, प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज यहाँ पर हो जाएगी 5x है, तो दिस मीनस 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, 5 4 जा 20 ईयर्स, 20 ईयर्स ये है हरी की प्रेजेंट एज। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की यहाँ प्रेजेंट एज है यहाँ पर 7x, 7x तो दिस मीनस हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 सेन 4 जा 28 ईयर, तो यहाँ पर हैरी की प्रेजेंट एज है 28 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर इनकी एजेस में रेशियो हम लिखेंगे पहले 20, नेक्स्ट यहाँ पर 28 आया है, अब है कॉमन नंबर क्या है जिससे इन दोनों में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 4 5 जा 20, तो 4 से डिवाइड की तो यहाँ पर 5 आया, 4 की डिवाइड की 20 से 5 आया, नेक्स्ट यहाँ पर 4 7 जा 20 है, तो दिस मीनस वो कॉमन नंबर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं था वो नंबर इसलिए हमने यहाँ पर x कंसिडर किया था। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है इससे डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, तो यहाँ पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर देते हैं इसमें एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 डिक्रीज करते हैं, x प्लस 8 है यहाँ पर 1 डिक्रीज कर दिया, तो नेक्स्ट यहाँ पर द नंबर ऑप्टन इज 3/2, तो हमें एक नंबर मिलता है वो यहाँ पर हो जाता है 3/2 के इक्वल, यहाँ पर ये हो जाता है, तो नेक्स्ट फाइंड रेशनल नंबर, तो वो रेशनल नंबर क्या है वो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, लेट द न्यूमरेटर x, तो न्यूमरेटर को यहाँ पर हम x कंसिडर कर लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हो गया और नेक्स्ट यहाँ पर रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर x प्लस 8, यहाँ पर ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की तरह यहाँ पर सॉल्व करेंगे, a t q, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं 17 बढ़ा देते हैं एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो माइनस 1 कर दिया, तो हमें मिल जाता है 3/2, हमें यहाँ पर 3/2 मिलता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, टू की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 17 से, नेक्स्ट यहाँ पर थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्स, अब इसको 8 माइनस 1 है तो यहाँ पर 8 में से 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7, तो यहाँ पर 3 एक्स प्लस 7 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, हो जाएगा 34 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x से, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3 7 जा 21, तो यहाँ पर आएगा 21। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो x वाले टर्म है उनको हम एक साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पर 3x है, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा ये माइनस का, तो यहाँ पर 2x माइनस का 3x हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस का है, ये यहाँ से इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 34 प्लस का है, तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस, अब यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ बचेगा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर 34, यहाँ पर ये बड़ा है तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ गया 13, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इससे रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, तो रैशनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा रैशनल नंबर एक्स, एक्स प्लस 8 है तो यहाँ पर, यहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स यहाँ पर दे रखा 13, तो 13 हो गया न्यूमरेटर 13, एंड यहाँ पर कितना है एक्स प्लस 8 है तो यहाँ पर 13 प्लस 8 वहाँ पर ऐड करेंगे हम 13, यहाँ पर 13 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर 21, तो यहाँ पर 13/21 वहाँ पर रैशनल नंबर है। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए आपको इजीली अंडरस्टैंड हुए होंगे।